ईद की नमाज की तकबीरात कितनी हैं, इस बारे में मुख्तलिफ अक्वाल हैं उलमा के, मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। जो दो तरीके मारूफ हैं मैं उन्हीं को जिक्र करूँगा। इबन अब्बास से मुख्तलिफ तकबीरात का जिक्र आया है, मुसनफ़ इबन अबी शैबा वगैरह में ये रिवायत मौजूद हैं, आप इसको इरवाउल गलील वगैरह में देख सकते हैं शेख अल अल्बानी की तहकीक से। आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युकब्बिरु फिल फित्र वल अज़हा फिल औला सबअ तकबीरात व फिल थानियति खमसन। इसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया और ये सही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा में पहली रकत में 7 तकबीरें कहते और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहते हैं। तो कुल की तकबीरात कितनी हुई, ज़ायद तकबीरात 12, जैसा कि हरमैन में आज भी होता है। हमारे बहुत सारे प्यारे भाई रमज़ान भर में 20 रकात हरमैन की जोश खरोश से सुनाते हैं, वहाँ 20 होती तुम कैसे 8 पढ़ते, वहाँ 20 होती तुम कैसे 8 पढ़ते, और ईद के दिन एकदम उनको मालूम नहीं सांप सूंघ जाता है जब फिर कोई बोलता है वहाँ 12 तकबीरात होती तुम कैसे ऐसा पढ़ते हैं। तो वो 12 तकबीरात को मानते हैं नहीं मानते हैं, वो 12 तकबीरात को नहीं मानते। फिर वहाँ अगर हरमैन आपके नज़दीक दलील है तो हरमैन में सारी चीज़ें आपके नज़दीक दलील होना चाहिए, वहाँ की एक इकहरी तकबीर भी दलील होना चाहिए, वहाँ का इमाम का नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हाथ उठा के नहीं करना ये भी दलील होना चाहिए, वहाँ पर दो इमाम होना तरावी के लिए वो भी दलील होना चाहिए, वहाँ पर जमात से तरावी पढ़ना और आखिर में आखिरी अशरे में वो लोग और पढ़ते हैं नमाज जमात से वो भी आपके लिए दलील होना चाहिए, और वहाँ पर क्या कुछ नहीं है वो सब दलील होना चाहिए। तो हरमैन हमारे लिए दलील नहीं है, हरमैन फी नफसी दलील है, हरमैन में कोई भी आ जाए वो कुछ भी करे वो दलील होता नहीं है ऐसा, हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दलील है। हाँ हरमैन में उलमा हैं, उनका फतवा अगर है और उस फतवे में दलील अगर है और वो दलील और फतवा आपस में मुताबिक हैं बहुत अच्छी बात है, हम कोई भी आलिम इस तरह का मामला करे उसकी बात मानेंगे, बात और दलील में मुताबिक हो, मुताबिकत हो, फहम सही हो, दलील सही हो, साबित हो, माना जाएगा। हरमैन हमारे लिए दलील नहीं है, हरमैन हमारे लिए दलील नहीं है। उम्मत में किसी ने भी इस तरह से हरमैन को ऐसा दलील कि हरमैन में जो भी अमल होता है वो हुज्जत है किसी ने नहीं कहा, मेरे इल्म में कोई नहीं है। इमाम मालिक हैं सिर्फ जिनके नज़दीक मदीना का अमल, मदीना का सिर्फ अमल क्या है दलील, उन्होंने हरमैन नहीं कहा है, लिहाजा ये और इसको फिर अहनाफ नहीं मानते कि मदीने का अमल दलील है, वो नहीं मानते इसको। तो कोई आदमी दलील पकड़ता है तो सही नहीं है। तो हरमैन में आज भी 12 रकत होती है, तो जो लोग 20 मानते हैं वो 12 को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी आप साथ छोड़ दे रहे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, नहीं करना चाहिए। हमारा कैसा है, हरमैन हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान हो या कोई और मुल्क हो, वहाँ पर अगर किसी की भी बात कुरान सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसको मानते हैं, चाहे हरमैन हो या फिर चीन जापान हो या फिर बर्मा हो या इंडोनेशिया हो या फिर सूडान हो या कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, जो दलील जिसकी है उसके मुताबिक हम चलें, कितना अच्छा है ये सबसे अच्छा है। क्योंकि देखिए जो हरमैन को पकड़ने वालों को छोड़ना पड़ता फिर, तो जब आपने दलील बनाई तो फिर आप 30 दिन याद रखिए और उसके बाद जब 30 दिन गए तो आपकी दलील फिर गायब, फिर सब गायब, अभी उसके बाद नहीं मान रहे उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसी दलील का क्या फ़ायदा है जिसको आप कभी भी छोड़ सकते, फिर ये मनमानी है। और बहुत सारे लोग अहले हदीस के बारे में कहते हैं कि ये लोग ख्वाहिश पसंद होते हैं, हालांकि यही ख्वाहिश पसंदी है कि आप एक दिन एक दलील दें और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया शैतान आज़ाद हो गया आप भी हरमैन को छोड़ दें, तो ये किसका असर है, तो शैतान का असर है। आप इस तरह से दलील नहीं बनाना चाहिए, ना हरमैन का अमल हमेशा गलत होगा ना हरमैन का अमल हमेशा सही होगा, ज़रूरी नहीं। वही लोग फिर हरमैन की दलील देते वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग को मानते नहीं मानते, वहाँ पर इमाम की आवाज़ सबको आ रही है फिर भी मुकब्बिर तकबीर बोल रहा है उनके इमाम के पीछे माइक में, ज़रूरी नहीं है, तभी ज़रूरी है जबकि इमाम की आवाज़ सुनने नहीं आ रही लोगों को, अमल हो रहा है वहाँ पे सालों से चल रहा है, हमारे नज़दीक वो दलील नहीं है। करते यहाँ पे इमाम साहब भी कर रहे हैं इस तरह से ही नमाज में, पीछे एक आदमी और भी अपॉइंटेड है वो भी माइक में बोल रहा है, उसको भी एक माइक लगाए हुए करते हैं ऐसा, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं हरमैन का अमल, आप कहाँ गए हरमैन, आपको पसंद नहीं है, आपको दुश्मन बन गए आप ईद के दिन हरमैन के। तो ये बात याद रखें, दलील किसको आदमी बनाता है उसका मकाम इससे मालूम पड़ता है कि वाकई वो किस लेवल का है, दलील किसको बना रहा है। तो आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की इस हदीस से मालूम हुआ कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तकबीरात से नमाज पढ़ते थे,
ये सुन्नत है, इसके अलावा भी सुन्नत है, कोई एक ही चीज़ सुन्नत हो लाजिम हो ऐसा नहीं है। जो छः तकबीरात वाली नमाज होती है वो भी साबित है, मैं आगे ज़िक्र करूँगा। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि कहते हैं अन्नहु, यहाँ पर ये कि जो तकबीरात होंगी तो हर रकत में किरत होगी, और वो कब होगी, हर रकत में किरत कब होगी और कैसे होगी। कहते हैं कि अन्नहु काना युकब्बिरु फिल ईदी फिल उला सबअ तकबीरात बितकबीरतिल इफ्तिताह। कहते हैं कि वो ईद की नमाज में पहली रकत में तकबीर इफ्तिताह यानी पहली तकबीर, जिसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है, इसके साथ सात तकबीरें कहते थे। वफिल आखिरती सित्तन बितकबीरतिर रकअ, और आखिरी रकत में क्या करते थे, छः तकबीर कहते थे, किसके साथ में, यानी रुकू की तकबीर के साथ में, यानी पहले आप पहली तकबीर के साथ में सात और छः तकबीरात रुकू की तकबीर के साथ में। कुल्लुहुन्ना क़ब्ल अल-क़िरा, सब की सब क्या होती थी, क़िरात से पहले होती थी, सब की सब क़िरात से पहले होती थी। तो इससे मालूम हुआ कि क़िरात से पहले तकबीरात हैं, क़िरात से पहले क्या हैं, तकबीरात हैं सात और पाँच, रुकू की मिला के कितनी होती है छः, तो रुकू की छोड़ के कितनी होंगी पाँच होंगी, तो पाँच ज़ायद तकबीरें और फिर सात ज़ायद तकबीरें, कुल मिला के कितनी हुई बारह तकबीरें। इनमें क़िरात कब होती थी, कुल्लुहुन्न क़ब्ल अल-क़िरा, ये तकबीरात सब की सब क़िरात से पहले होती थी, यानी तकबीरात के बाद क़िरात होगी। इसको इब्ने अबी शैबा ने अपनी मुसनफ़ में रिवायत किया और ये रिवायत सही है। नाफ़े अब्दुल्लाह इब्ने उमर के मौला कहते हैं शहीदतुल अज़हा वल फ़ित्र मा अबी हुरैरा, मैंने ईदुल अज़हा और ईदुल फ़ित्र अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला के साथ में मैं मौजूद था। فكبر في الركعه الاولى سبع تكبيرات قبل القراءه, तो उन्होंने पहली रकत में किरात से पहले सात तकबीरात कहीं। وفي الاخره خمس تكبيرات قبل القراءه, और दूसरी रकत में उन्होंने पांच तकबीरात कहीं किरात से पहले। इससे भी मालूम हुआ कि किरात से पहले तकबीरात हैं और पहली में सात दूसरी में पांच, इसको इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में रिवायत किया है। छः ज़ायद तकबीरों से नमाज होती कि नहीं होती, होती। बाज़ सहाबा से रिवायत है, इसी तरह से रावी ने कहा कि बाज़ सहाबा से रिवायत है, और अगर कोई रावी ऐसा कहे कि फ़लाँ सहाबी से रिवायत है और नाम जिक्र न करे, तो क्या वो रिवायत मोतबर होगी, होगी। क्यों, इसलिए कि सहाबी कोई भी हो मोतबर है, सहाबी कोई भी हो मोतबर है, चाहे उसका नाम सहाबी का मालूम हो या ना हो, वो मोतबर होता है, सहाबी मोतबर होते हैं तमाम। कहते हैं सल्ला बिना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, हमको नमाज पढ़ाई। यौम ईदिन, ईद के दिन। फकब्बरा अरबान व अरबान, तो आपने तकबीर कही कैसी, चार और चार। थुम्म अकबल अलैना बिवजहिही हीनन सरफ, फिर आप हमारी तरफ पलटे और आपने कहा ला तंसौ का तकबीरिल जनाइस, भूलना मत जनाजे की तकबीरात की तरह है। वह अशारा बि असाबिही व कबदा इबहामहू, और आपने अपनी उंगलियों से इशारा किया और आपने अपने अंगूठे को क्या कर दिया, बंद कर दिया, कबदा इस तरह से, यानी कितनी है, चार। इसको इमाम अत्तहावी ने शर्ह मानिल आसार में ज़िक्र किया है और शेख अल अल्बानी ने अस्सहीहा में 2997 पर इसको कहा है कि इसकी सनद हसन है। इसी तरह से अलकमा और अस्वद इब्न यजीद कहते हैं अन्न इब्न मसऊद कान युकब्बिरु फिल ईदैन तिसअन तिसअन, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ईदैन में नौ नौ तकबीरात कहते थे। अरबअन क़ब्ल अल-क़िरा, क़िरात से पहले चार तकबीरें, और सुम्मा कब्बरा फरक़ा, फिर तकबीर कहते और उसके बाद रुकू करते। वफी सानियति यक़्रा फ़ैदा फ़रगा कब्बरा अरबान सुम्मा रका, यानी किरत से पहले कितनी तकबीरात, चार, और उसके बाद यानी सुम्मा कब्बरा, फिर उसके बाद तकबीर कह के रुकू करते थे, यानी किरत से पहले चार तकबीरें
اور اس کے بعد پھر قرأت، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر اور رکوع، پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت میں قرأت کرتے اور قرأت سے جب فارغ ہوتے تکبیر کہتے چار مرتبہ اور اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، یعنی ایک اور تین ایکسٹرا، اور اس کے بعد میں تین اور رکوع کی ایک جو قاعدے کی ہے، تو کل ملا کے ایکسٹرا کتنے ہوئے؟ چھ تکبیرات۔ اس طرح سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پہلی میں پہلی تکبیرات کے بعد قرأت ہوتی تھی اور دوسری رکعت میں، یعنی قرأت سے پہلے پہلے ہوتی تھی اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد ہوتی تھی رکوع سے پہلے۔ اس کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو جلد 6 صفحہ نمبر 1261 پر ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 6 زائد تکبیروں سے نماز پڑھتا ہے تو کوئی آدمی اس کو غلط یا بدعت یا خلاف سنت نہ کہے، صحابہ سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے۔ دونوں طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں حنفی ایسا کرتے ہیں تو وہ غلط ہی ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ القیاس مع الفارق ہے۔ کسی کا ایک مسئلہ اگر غلط ہو جائے تو سارے مسئلے غلط ہوتے ہیں؟ نہیں۔